अगर किसी भी महिला या पुरुष को खाते हुए, हंसते हुए, छींकते हुए या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हुए मूत्र रिसाव यानी अचानक से पेशाब का निकल जाना या बार बार पेशाब आता है तो समझ लीजिए इसका कारण आपकी कमजोर पैल्विक फ्लोर नितंब की मांसपेशियां हैं। क्यूआरएस पैल्विक मशीन आपकी कमजोर फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करती है। ये बार बार पेशाब आने या बहुत देर तक पेशाब को ना रोक पाने की समस्या का समाधान भी करती है। इसकी सबसे अहम बात आपकी लोअर बैक पेन को ठीक करने की है, जिसे अक्सर लोग कमर से नीचे के हिस्से का दर्द कहते हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, तो कुरुक्षेत्र की सेक्टर 7 मार्केट में SCO 57 में स्थित QRS सेंटर पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। ये तमाम जानकारी देते हुए सेंटर की संचालिका डॉक्टर हरविंदर कौर ने बताया कि जर्मन पेटेंट टेक्नोलॉजी से निर्मित QRS पैल्विक मशीन के द्वारा अब कीगल व्यायाम कमजोर पैल्विक फ्लोर मांसपेशियों का इलाज बहुत आसानी से कर देती है। इतना ही नहीं, ये मशीन पुरुषों और महिलाओं में नपुंसकता को दूर करती है। इस मशीन की अन्य भी बहुत सी विशेषताएं हैं। जर्मनी की आधुनिक तकनीक QRS से अब आप बिना किसी साइड इफेक्ट के हर दर्द में राहत पा सकते हैं, जैसे कमर दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, सर्वाइकल व माइग्रेन। इसी प्रकार अन्य असाध्य रोगों जैसे हृदय रोग, ब्लड प्रेशर इत्यादि में भी ये मशीन आराम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। उनके अनुसार QRS पद्धति के द्वारा अनेक रोगों का जड़ से समाधान भी संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्वा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय मैं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 मार्केट में मौजूद हूँ। QRS सेंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेल्विक मशीन है, पेल्विक फ्लोर मशीन भी जिसे हम कहते हैं। अक्सर किसी भी व्यक्ति को, इंसान कोई भी, मनुष्य हो, पुरुष हो, युवा हो, बच्चा हो, जिसे अक्सर अमूमन मांसपेशियों से संबंधित कोई शिकायत है कि मांसपेशियां कमजोर हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है, तो उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, मांसपेशियों की कमजोरी को ठीक करने के लिए अक्सर जो है हमें एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक उम्र होती है पुरुषों में, अगर खासकर माने कि 35 साल की उम्र के बाद जो है स्पेसिफिक मांसपेशियों की कमी की जो कमी सामने आती है पुरुषों में, और महिलाओं में खासकर डिलीवरी के बाद जो समस्या सामने आती है, और उस उम्र में आकर मनुष्य वैसी एक्सरसाइज नहीं कर पाता जैसी उस समस्याओं के मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये मशीन जैसे हम स्पेसिफिक मशीन कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग की जो ये मशीन है, ये मशीन आपको आपकी जो शरीर की एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज को कराने में आपकी मदद करती है, और उन एक्सरसाइज को करके आप मांसपेशियों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निवारण पा सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस मशीन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसकी यूजेस हैं, इसको लेकर हम डॉक्टरों से जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है QRS सेंटर सेक्टर 7 में, जो SCO 57 में जो QRS सेंटर चलाया जा रहा है, उसकी संचालिका डॉक्टर हरविंदर को हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस मशीन के क्या क्या यूजेज हैं, मतलब किस प्रकार से मनुष्यों को फायदा देती है। देखिए, बेसिकली ये एक जर्मन पेटेंट डिवाइस है जी, जो कि पूरे भारत में हमारे पास है। सिर्फ ये पूरे भारत में 3 मशीनें हैं जी, जो कि एक हमारे पास कुरुक्षेत्र में है जी। और आप लोग सभी, मैं आप लोग सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपके पास ये है जी। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं जिन लोगों को कमर में दर्द है बहुत सालों से। अक्सर मैक्सिमम लोग कमर दर्द की शिकायत से किसी ना किसी वजह से उनको कमर में दर्द रहता है, वो तरह तरह की दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं, कुछ टाइम के लिए आराम आ जाता है, लेकिन उन्हें जो एक परमानेंट क्योर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। फिर फाइनली क्या होता है, एक ए स्टेज आ जाती है कि हाँ ऑपरेशन करवा लिया जाए। उससे क्या होता है, पैसा बहुत लगता है, 3-4 लाख लगा के चल सकते हैं ना, इतना लग जाएगा, 1.5-2 महीने आपका बेड रेस्ट पे चला जाएगा, टाइम और पैसा दोनों ही खराब होंगे। बट ये एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है, इसमें आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा, और जो आपके पेल्विक मसल्स हैं जो कि आपकी मांसपेशियां हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे कि वो लाइफ टाइम दोबारा कभी उनमें प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो पेल्विक मसल, डॉक्टर साहब, जैसे आम आदमी को नहीं पता कि जिसने पहली बार नाम सुना हो कि पेल्विक मसल आखिर है क्या। देखिए, पेल्विक मसल जो ये होता है कि हमारे ये जो लोअर पार्ट होता है इसके मसल्स होते हैं जी। ठीक है, इनमें किसी ना किसी वजह से, जैसे बैठने की वजह से या किसी और किसी वजह से, क्या होता है, ये
कमजोर होते रहते हैं, और जैसे एज एक बढ़ती है, बढ़ने के साथ साथ वो हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हम हैं, वो धीरे धीरे एक इंसान बढ़ता रहता है, 30-35 के बाद वो धीरे धीरे डाउन में आना शुरू करता है। अक्सर ये शिकायत लगभग किस उम्र में आती है, जैसे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, तो महिलाओं में अमूमन ये किस उम्र के बाद या जैसे डिलीवरी के बाद ज्यादा शिकायत सामने आती है? ये एक्चुअली जैसे कि एक महिला एक शिशु को जन्म दे रही है, उसके बाद क्या होता है, उसका मसल्स जो है लूज हो जाते हैं, खुल जाते हैं, उसको एक प्रॉपर शेप में लाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। ये हमें एक तरह का कीगल एक्सरसाइज करवाती है। कीगल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हमारे जो पेल्विक मसल्स को है स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। पेल्विक मसल में जब कहीं कमी आती है, कमजोरी आती है, तो किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं महिलाओं में, ताकि उन्हें पता लगे कि मेरे पेल्विक मसल्स जो है कमजोर हो चुके हैं? देखिए, उनका बार बार पेशाब आता है, जैसे बार बार बाथरूम आना, मतलब छींकती हैं या खांसती हैं या हंसती हैं या कुछ भारी सामान उन्होंने उठा लिया, तो कुछ ना कुछ यूरिन उनका पेशाब जो है वो पास आउट हो जाता है। मतलब ये लक्षण मेन लक्षण ही मान सकते हैं, ये लक्षण। तो उन मांसपेशियों को ठीक करने में, मजबूत करने में ये मशीन किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है? ये 25 मिनट का 25 मिनट का सिटिंग है, और ये आप 20 सिटिंग आप इसका लेंगे, ठीक है, 20 या जो भी, हर इंसान का बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है, तो ये जैसे जैसे एक तरह का एक्सरसाइज है, ठीक है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आप अपने आप को स्वस्थ, तो लगभग अगर जिसने डेली 20 सिटिंग जो आप बता रहे हैं कि 20 सिटिंग में मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और काफी हद तक समस्याओं से समाधान मिल जाता है। 20 सिटिंग में एक आम जनता के लिए कह रही है, नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है, अगर वो 20 सिटिंग आके लेता है तो उसको लाइफ में कभी कोई दिक्कत आएगा। पर सेटिंग में कितना टाइम डॉक्टर लगभग इस मशीन में बैठना पड़ता है? इसमें आपके सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। 25 मिनट हम मान लीजिए कि हर सेटिंग में लगभग 20 से 25 मिनट बैठना है। हाँ जी, तो ये कोई डॉक्टर साहब इसमें भी कोई लिमिट रहती है कि आपको खाली पेट आना है या खाना खाने के बाद आना है? कोई भी एक्सरसाइज है, अगर आप खाली पेट करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। मतलब सुबह का टाइम सही है, सुबह का टाइम ठीक है, अगर आपने खाना खा भी लिया तो खाने के 3 घंटे के बाद, आप खाने के 3 घंटे बाद आप आके ले सकते हैं। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद नहीं आना चाहिए, आपका पेट थोड़ा हल्का होना चाहिए, ये मान के चलिए। बिल्कुल। तो पुरुषों में डॉक्टर साहब इसमें क्या है, पुरुषों में कोई एज लिमिट कोई या कोई लक्षण? हाँ, पुरुषों में भी यही रहता है कि जिनको 30-35 के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर जिन लोगों को रात को बार बार पेशाब आ रहा है, या फिर उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, उनका जो वो अपने जो साथी हैं, पार्टनर हैं उनका, वो अच्छे से उनको खुश नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो ये वो भी उस चीज को भी ये क्योर करती है, ठीक है। मेन काम रहता है इसका मसल्स को डेवलप करना, ठीक है। जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि आप जिम जा रहे हैं ना, तो हमारे मसल्स बनते हैं, ये ऐसे ही हमारे इंटरनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। किसी भी पुरुष, महिला, युवा या जो जवान बच्चे हैं उनके लिए, किसी को भी अगर कमर से नीचे की पेन है, पेन रहती है, अक्सर दर्द रहता है, लोअर बैक पेन, बैक पेन भी जिसे हम कहते हैं, ये मशीन उन तमाम दर्द को दूर करने के लिए रामबाण का काम करेगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मशीन जर्मन पेटेंट टेक्नोलॉजी से निर्मित है, और ये पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 3 मशीनें हैं जो कि QRS इंडिया कंपनी ने हमें प्रोवाइड करवा रखी हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से, सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि जिसको भी ये सब बीमारियां लगी हुई हैं, या कमर में दर्द है, या बार बार उन लोगों का पेशाब आ रहा है, या वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर वैवाहिक जीवन उनका सही नहीं है, तो आप जल्द से जल्द यहाँ आए QRS सेक्टर 7 में और इस मशीन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।